अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सब मुसलमान बहन भाइयों के और तमाम व्यूवर्स के ऐसे ही जा रहे हों। माशाल्लाह, रहमत और बरकतों वाला महीना जा रहा है। तो व्यूवर्स, आज मैं अपनी जो किचन की सहरी और अफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी। तो आज मैं अफ्तार के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी। इसके लिए मैंने 1 किलो जितने करेले लिए हैं और इन्हें मैंने पीलर से पील ऑफ कर रही हूँ और ऐसे ही इसको पील कर लेंगे सारे अच्छे से। आप चाहें तो छुरी से भी कर सकते हैं। और फिर इस तरह मैंने इनको सिंपल पानी से धोया है, नमक नहीं लगाया, क्योंकि हर एक का ना करेले धोने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है और मेरा तरीका भी तकरीबन मुख्तलिफ ही है, क्योंकि मैं इनको नमक लगाती हूँ धोने के बाद। आपके सामने मैंने इनको छील लिया अच्छे से और इसके बाद मैं इनको सिंपल पानी से मल के धो रही हूँ। अब जब मैंने इनको धो लिया, धोने के बाद मैंने इनको नमक लगाना है, क्योंकि मेरी अम्मी भी ऐसे ही बनाती थी तो वो कहती थी कि इसी तरह ही जो है ना करेले जो है ना वो नमक लगा के जब हम उन्हें धोते हैं तो फिर वो ज़्यादा कड़वे बनते हैं। तो आप पहले इनको धो लें सिंपल छील के, फिर नमक लगाएं, उसके बाद नहीं धोना। उसके बाद जो पानी है ना करेले का कड़वा पानी वो निकलेगा, सबज़ सबज़ जो पानी होता है, ये जिस तरह आप अभी भी देख रहे हैं, ये सारी कड़वाहट है इसमें। तो मैंने इनको अच्छे से धो लिया, धो के फिर मैंने अब ये गोल गोल काटने शुरू कर लिए। आप इनको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की शेप में मर्ज़ी कट कर सकते हैं। इनके जो बीज है ना वो नहीं मैंने रिमूव किए, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट थे और ज़रूरत ही नहीं थी इनको अंदर से साफ़ करने की। तो बहुत ही ये ज़बरदस्त करेले थे, ज़रा इनके बीज जो है ना वो सख्त वाले नहीं थे, पके हुए नहीं थे, तो बहुत ही ये ना नरम से बीज थे, तो इसलिए मैंने नहीं निकाले ये। अब मैंने इन्हें कट कर लिया है और अब मैं इन्हें नमक लगाऊंगी। नमक लगा के अब इसे इस तरह इस टॉस करेंगे, टॉस करके फिर इसने तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी, ताकि जो नमक अच्छे से रच के इसकी जो बिटरनेस है ना वो पानी की सूरत में सारी रिलीज़ हो जाएगी। तो फिर तो ये ज़रा भी कड़वे नहीं बनते। वैसे सुना है कि कड़वे करेले खाने चाहिए, कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और वैसे भी आपके खून को पतला करते हैं करेले, और इसके अफादियत बहुत है शुगर के मरीज़ों के लिए, तो बहुत ज़्यादा है। तो ये अब मैं छिलके जो हैं वो मैं फेंकती नहीं हूँ, वो भी हम धो के इस तरह ही इस्तेमाल करते हैं। तो साथ ही मैंने बिरयानी की, मेरे बच्चों ने कहा था कि आप करेले आलू की सब्ज़ी बना लें और हमें थोड़ी सी बिरयानी भी बना दे, साथ ही मैंने बिरयानी की जो है वो शुरू कर ली है तैयारी। करेलों को नमक लगा के मैंने रख लिया है 10 से 15 मिनट के लिए और अब मैं चिकन धो रही हूँ ताकि बिरयानी की तैयारी कर सकें। आज अफ्तारी है तो अफ्तारी पे मेरे घर में थोड़े से गेस्ट भी आ रहे हैं, तो मेरे देवर हैं वो आएंगे अपने बच्चों के साथ। ये चिकन मैंने धो लिया है तो बिरयानी के लिए मैं चिकन को मैरिनेट करूँगी। तो इसमें हम सबसे पहले जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डालेंगे, 1 चम्मच भर के मैंने टीस्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और ये 1/2 टीस्पून जितना नमक डाला। मैरिनेशन में इतना ही जाएगा, जो जब हम कुकिंग करेंगे कुकिंग के लिए हम मसाले अगेन डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून जितना इसमें नमक डाल दिया है, ये सूखा धनिया पाउडर डाला है, ये भी 1/2 टीस्पून जितना है, और ये 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है,
एक चम्मच का चौथा हिस्सा कह लें। और अब इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, फिर इसमें दही भी डालूंगी क्योंकि मैरिनेशन तो दही से ही होती है ना। फिर ये मैंने घर का दही जमाया था, बहुत ही मज़े का दही घर में जमता है। तो ये दही जो है वो मैं तकरीबन तीन से चार टेबल स्पून जितना डालूंगी। कप से में आप देख लें कि हाफ कप जितना दही होगा ये। तो इसको मैंने दही डाल लिया इसमें। अब इसको मैरिनेट करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक मैं बिरयानी के बाकी जो तैयारी है वो कर लूंगी, जैसे चावल बॉईल करना और मसाले, प्याज टमाटर हरी मिर्चें वगैरह कट करना। मिक्सिंग जो है ना वो हाथों से बहुत ज़बरदस्त होती है। हम टूल्स वगैरह तो इस्तेमाल करते हैं या स्पूंस वगैरह, लेकिन जो हाथों से काम होता है ना उसका एक अलहदा ही जायका भी हाथों का आता है ऐसे हमारे रेसिपीज़ के अंदर। और हाथों से काम करना भी आसान है। और बिल्कुल अच्छे से इसकी अब मैंने मैरिनेशन कर दी है और इसे छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। और अब मैं करूंगी बिरयानी की जो तैयारी है बाकी की। इसके लिए मैं 2 गिलास चावल लिए थे मैंने, जो बड़े वाले मग होते हैं ना वो मैंने लिए थे, तकरीबन पूरे 1 किलो जितने बनते हैं। तो 1 किलो जितने, 1 किलो ही मैंने चावल लिए थे। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं कि जितनी रिक्वायर हो आपके घर में। इफ्तारी के बाद वैसे भी बहुत कम खाया जाता है क्योंकि जो हमने इफ्तार के लिए फ्राई की होते हैं समोसे और चिप्स ये वो खा के और साथ में शरबत कोई सा भी हम ड्रिंक पी लें तो पेट फुल हो जाता है। तो ये 1 किलो चावल भी हम सिर्फ मेहमान आ रहे थे इसलिए, नहीं तो हम जिस दिन से रमज़ान शुरू हुए ना तो हमने तकरीबन हाफ जो हमारा मेथड है ना रोज़ाना का खाना पकाने का वो हाफ रह गया है। कि जैसे हम पहले 1/2 किलो चीज़ पकाते हैं लेकिन अब हम 1 पाव जितनी पकाते हैं तो वो भी बच जाती है। तो चावल मैंने भिगो दिए, अब मैं बिरयानी के लिए ये मसाले काट रही हूँ। हरी मिर्चें और पुदीना और हरा धनिया भी मैंने काट लिया है। टमाटर डालूँगी मैं, तकरीबन मैंने 1 पाव जितने टमाटर डाले थे, 1 पाव से भी थोड़े से ज़्यादा ही होंगे क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के टमाटर थे। तो मैंने ये ना 4 लिए थे। बिरयानी में आपको पता है कि मसाला जितना ज़्यादा हो उतनी ही मज़े की बनती है, और ये बिरयानी बनी भी बहुत ही मज़े की थी। और ये वेजिटेबल्स हैं, ये हफ्ता वो फ्राई के लिए बैंगन को फ्राई करना था, हमने आलू के चिप्स और मिर्चों के पकौड़े भी बनाए थे। अब ऐसे ही सारा मसाला कट कर लेंगे। रमज़ान में कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तार पार्टी की दावत किया करें क्योंकि बहुत ही सवाब है, बहुत ही फजीलत है रोज़ा इफ्तार करवाने की। और मज़ा भी बहुत आता है कि जब हम मेहमान को इनवाइट कर रहे होते हैं तो घर में जो गहमा गहमी होती है, डिशेस जो हैं वो प्लान हो रही होती हैं, उनकी तैयारी हो रही होती है, फिर कुकिंग हो रही होती है, इतना मज़ा आता है ना। तो ज़रूर कोशिश किया करें कि अपने खाने में तो हफ्ते में 1 मरतबा या महीने में 1 मरतबा ज़रूर अपनी रिलेटिव्स में से किसी को इनवाइट ज़रूर किया करें। इससे बरकत भी होती है और वैसे भी फजीलत बहुत है रोज़ा इफ्तार करवाने की, या अपने घर पे आप किसी को भी खाने पे बुलाएं, दावत पे बुलाएं। मेहमान वैसे भी अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। और अब ये मैं
बिरयानी के लिए जो कोरमा तैयार करूँगी, इसके लिए मैंने ये 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने कट कर लिया। काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज ये वीडियो बनाई थी ये वाली, क्योंकि कुछ मेरी तबीयत भी थोड़े दिन से ठीक नहीं थी, इस वजह से काफ़ी दिन के बाद बना रही हूँ। तो मुझे ख़ुद बहुत अजीब लगता है कि डेली बेस पे जानी चाहिए रेसिपीज़, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मुझसे 4-5 दिन से कोई रेसिपी न्यू वाली अपलोड नहीं हो रही थी। तो उसके लिए माजरत है सबसे जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। और ये सारा सामान रेसिपी का ही है, बिरयानी का। बस बच्चों को रोज़ यही शौक है कि आप बिरयानी बना दें, फिर हमारी इफ्तार अच्छी है। यहाँ पे मैं प्याज को लाइट ब्राउन करूँगी और थोड़ा सा फिर मैं डार्क ब्राउन करके साइड पे निकाल लूँगी। और ये मैंने पानी रख दिया है चावल बॉईल करने के लिए, इसमें तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें, नमक और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें डालकर इसे अब बॉईल होने देंगे। ये नमक डाल दिया है 2 टेबलस्पून जितना। बारिश भी बहुत आई थी हमारे, तो अफ्तारी करके हटे ही हैं। सारा दिन तो वैसे काफ़ी धूप की वजह से गर्मी रही है, अफ्तारी के बाद तो यकदम बादल आए हैं एकदम से, तो आंधी आई है 2-3 मिनट, तो साथ ही बारिश आई है। इतना मज़े का मौसम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान में अल्लाह ताला ने अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल की हुई हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, रोज़े का एहसास ही नहीं होता कि रोज़ा रखा हुआ है। बहुत ही मज़े का मौसम हो गया, ठंडा ठंडा मौसम है। और ये हमारी फ्राइडे की इफ्तारी है, फ्राइडे को हमारे इधर बहुत बारिश हुई है। और अब ये मैंने जो ब्राउन लाइट ब्राउन प्याज मैंने निकाल लिया है लाइट सा, और डार्क ब्राउन मैंने एक साइड पे रख लिया है। और अब ये खाली ऑयल के अंदर मैंने जो मैरिनेट की हुई चिकन है वो डाल दी है, अब इसे अच्छे से कुक करके पकाएंगे और मज़ेदार सा कोरमा तैयार करेंगे। और ये पानी बॉईल हो रहा है, अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। अब ये चावल इसमें डाल दिया, अब इसे इन्हें बॉईल करके फिर छान लेंगे। फर्स्ट टाइम मैंने बनाई है अपनी किचन रूटीन, तो बहुत मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि एक कुकिंग चैनल और एक किचन रूटीन के चैनल को चलाने में बहुत फ़र्क होता है। कि कुकिंग चैनल का ये होता है कि सारी रेसिपीज़ की जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैनेज करके आप रखते हैं और साथ साथ बता के साथ साथ पकाए जा रहे हैं, तो चले वो जल्दी से आपका काम हो जाता है। जो किचन रूटीन का काम है उसके लिए हमें ये है कि प्रॉपर नहीं हर चीज़ दिखानी पड़ती, बस थोड़ा सा क्लिप ये दिया, थोड़ी सी रेसिपी दूसरी वाली दी, साथ में अपनी सारी रूटीन शेयर हो जाती है, अब हम ये कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा था वैसे मुझे ना ये अपना व्लॉग। इंशाल्लाह है मेरा प्रोग्राम कि मैं अपना किचन रूटीन का भी एक चैनल बनाऊंगी कि जिसमें अपनी किचन की रूटीन, डेली रूटीन शेयर किया करूंगी।
और ये चिकन को मैं अच्छे से भून रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे साबुत मसाले, साबुत मसालों में मैंने ज़ीरा डाला है, दारचीनी, तेज़पत्ता और लौंग, ये सब मैंने दारचीनी के 2 स्टिक्स डाली थी और ज़ीरा जो है साबुत वो मैंने 1/2 टीस्पून जितना डाला है और साबुत काली मिर्चें जो हैं वो भी 1/2 टीस्पून डाली हैं। और अभी बाकी मसाले मैं डालूँगी, सूखा धनिया भी मैंने डाल दिया है कुकिंग में क्योंकि हमने मैरिनेशन में। और अब इसमें सारे मसाले भी चले गए, अब इसको अच्छे से मैं भून लूँगी क्योंकि कोरमा जो है वो तो आपको पता है कि ज़्यादा भुनाई करें तो बहुत मज़े का बनता है। वैसे भी तमाम मसाले इसमें जो अच्छे से हमने मैश करने होते हैं भूनते भूनते। और चिकन को गलाने के लिए ये मैंने तकरीबन 1 कप के जितना पानी डाल दिया है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। और अब इसे मैं कवर करके पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए जब तक कि चिकन गलेगा। और अब ये हैं करेले, करेले को जो मैंने नमक लगा के धो के नमक लगा के रखा हुआ था, अब ये मैंने बॉल के ऊपर कपड़ा डाला है, कपड़े के ऊपर मैं करेले डाल के इनका अच्छे से पानी निचोड़ लूँगी क्योंकि कपड़े के अंदर डाल के जब हम करेले को निचोड़ते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त करेले जो है ना वो खुश्क हो जाते हैं, उनका पानी बहुत अच्छे से हम दबा दबा के निकाल पाते हैं। और जितना ज़्यादा पानी आप जितना आप दबा के निकाल सकते हैं उतना ही आप निकालें तो बहुत ही मज़े के करेले बनते हैं। और ये मैंने इसी तरह सारा पानी जो है वो आस्ता आस्ता निकाल दिया। तो आप ये ना समझे कि नमक लगाया है तो शायद बहुत ही नमकीन बनेंगे करेले के, इसका नमक तो नमक हमने पानी जो निकाल रहे ना तो वो समझे हमने नमक ही निकालना है सारा। तो इसके बाद आप जब मसाले डालेंगे उसमें नमक आप थोड़ा सा एहतियात से डालें, लेकिन मैं ऐसे ही पकाती हूँ, मेरा कभी भी करेले में नमक ज़्यादा नहीं हुआ। तो वो सारा ही हमने नमक इसका अच्छे से निचोड़ के निकाल दिया है। ये देखिए कितना पानी निकला है इससे, अब ये ड्राई है बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। और अब ये जो मैंने छिलके उतारे थे करेले के, अब उन्हें डाल के इन्हें भी ऐसे ही मैं निचोड़ लूँगी अच्छे से। अच्छे से ड्राई करके बहुत ही मज़े के बने थे करेले। ये देखिए कितना पानी निकला है करेले में से। और ये देखें अब इन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया, पहले जब मैंने इसको छीला था तो प्लेट में कितने ज़्यादा थे इसके ये वाले छिलके, और अब इसका पानी हमने निकाल दिया है तो देखें कितने से रह गए। और ये चिकन का कीमा हम घर में खुद ही इसी तरह बना लेते हैं, चॉप राइस भी कर लेते हैं, लेकिन हम इसे हम नाइफ़ से भी हम ऐसे कर लेते हैं। और ये हम चिकन समोसे बनाएंगे, इससे पहले हमने बंद गोभी काट ली हुई थी। और अब ये चिकन का कीमा तैयार हो रहा है वेजिटेबल समोसे में, ये वेजिटेबल कट की हुई हैं, शिमला मिर्चें और बंद गोभी, इसको बिल्कुल बारीक बारीक हमने जिस तरह चॉपराइज करते हैं ना चॉपर में वो कर लिया था। और अब चावल भी बॉईल हो चुके हैं, कोरमा भी तैयार हो चुका है और ये मैं इसकी लेयर लगा रही हूँ, पहले एक लेयर लगा चुके हैं, ये फाइनल लेयर है। और अब इसके ऊपर हम फिर से डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना। और अब इसके ऊपर फिर उबले हुए चावल डालेंगे। चावलों को आपको पता है कि बॉईल करने का जो तरीका है कि आपने चावलों को पूरा नहीं गलाना, उसमें एक कनी रहनी है
चावल को हम अपनी फिंगर के जो टिप्स होते हैं ना इसके ऊपर इस तरह मसल के तोड़ के देखेंगे तो उसके अगर तीन टुकड़े हो जाएं तो वो आप समझे कि बिरयानी के लिए डन है। अगर दो हों तो फिर थोड़ा सा उनको बॉयल आने गलाने की ज़रूरत होती है। तो हम तकरीबन 70% जो चावल है उनको गलाएंगे, 70-60%। और ये मैं ज़रदा कलर ऐसे ही डालती हूँ क्योंकि पानी में जब घोल के डालें तो वो फिर बहुत ज़्यादा ही पीले, वो सारे चावल ही पीले बन जाते हैं। क्योंकि ज़ाहर है पानी में कलर घोल के जब हम डालते हैं तो वो फैलता है ना पानी फिर नीचे जाके, तो मैं इस तरह ड्राई ही डाल देती हूँ। और ये तली हुई प्याज डाल दी है ऊपर से, तो मैं दिखाना भूल गई कि मैंने केवड़ा एसेंस में सॉरी बिरयानी में केवड़ा एसेंस मैंने डाला है 2-3 ड्रॉप, और बिरयानी जो होता है एसेंस वो भी डाला है। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये बिरयानी का एसेंस भी जब हम डालते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है बिरयानी की उसमें से। और ये फ्राई पैन में अब हम जो चिकन है इसका, चिकन समोसे, वेजिटेबल समोसे, इनका जो मेथड है वो तैयार कर लेंगे। जो मिक्सचर है ये हम अब बनाएंगे। ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून जितना। अब इसमें चिकन का कीमा डाल दिया है, थोड़ी देर इसे सोते करेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून जितना। और अफ्तार में जो भी आप इस तरह इफ्तारी में कुकिंग कर रहे होते हैं ना अफ्तार के लिए, तो उसमें आप मसाले बहुत कम इस्तेमाल करें सिर्फ रमज़ान में, क्योंकि सारा दिन का जो स्टमिक है वो हमारा रुका हुआ होता है, बहुत स्लो वर्क कर रहा होता है। तो फिर यकदम जब हम इतने स्पाइसी खाने खाते हैं तो फिर जो स्टमक है ना हमारा वो ठीक नहीं रहता, उससे फिर बर्निंग होती है। और वैसे भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाता है। तो आप बहुत कम मसाले डाल, हम तो रमज़ान में ना बहुत कम स्पाइसेस यूज़ करते हैं। तो समोसे हमने काली मिर्च वाले ही बनाने हैं, सिर्फ हम इसमें नमक डालते हैं और काली मिर्च डालते हैं और वेजिटेबल तो खूब सारी डालते हैं। वेजिटेबल और ये काली मिर्च डाल दी है, ये थोड़ी सी आपको ज़्यादा लगेगी लेकिन वेजिटेबल के हिसाब से ये डाली है, तो 1 टीस्पून है तो ये काफ़ी है। क्योंकि माशाल्लाह से वेजिटेबल में मैंने एक शिमला मिर्च, दो शिमला मिर्च ली थी और बंद गोभी का जो होता है एक पूरा फूल वो लिया था। नमक भी डाल दिया है साथ में, नमक भी एहतियात से डाले क्योंकि जो रोल पट्टी होती है, समोसा पट्टी होती है, उसमें भी काफ़ी नमक होता है। तो एक दो मर्तबा हमारा नमक इसी तरह वेजिटेबल में तेज़ हो गया था, तो वो फिर रोल पट्टी का भी नमक था तो वो समोसे हमसे खाए नहीं गए थे। अब हम बहुत एहतियात से डालते हैं क्योंकि रोज़ा होता है, चख भी नहीं सकते। तो इनको थोड़ा सा सोते कर लिया है। और ये इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के तो करेले जो है वो फ्राई करना शुरू कर दिए। फ्राइडे में वैसे भी माशाल्लाह से मेन्यू हमारा ज़्यादा हो जाता है कि 2-3 डिशेस तो मस्ट है, बनती हैं क्योंकि उस दिन हस्बैंड भी घर होते हैं। अब तो वैसे भी लॉकडाउन की वजह से घर पे ही होते हैं सब, तो सबके डिमांड, कभी कुछ बन रहा होता है। आम दिनों से ज़्यादा माशाल्लाह से खाना बनता है लॉकडाउन के जब से शुरू हुआ है, क्योंकि सारा दिन घर में यही तो काम होता है। माशाल्लाह बच्चे होते हैं, बच्चों को तो फिर ये होता है कि बस थोड़ी देर बाद कोई ना कोई फिर आप रेसिपी तैयार कर दें या कुछ भी आप बना लें फटाफट से, कि भूख जो थोड़ी सी भूख लगती ना थोड़ी देर बाद, उसके लिए कुछ ना कुछ शामी कबाब बना लें, इस तरह समोसे बना के रख लिए या कोई और नगेट्स वगैरह बना के रख लिए, कटलेट्स वगैरह बना के रख लिए, तो वो चले थोड़ी सी भूख लगती है, एक दो फ्राई किए तो वो भूख ख़त्म हो जाती है। तो वैसे भी हम आम दिनों में ऐसे ही अहतमाम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इधर मेरे
करेले फ्राई हो रहे हैं और ये बिरयानी को दम लगा हुआ है इधर। और ये मिक्सचर हमारा तकरीबन तैयार है, सिर्फ हल्का सा अब सब्जियों को सौते करना है। और ये है बैंगन, बैंगन के भी हमने चिप्स तैयार करनी है, पकोड़े गोल गोल बैंगन काट के तो फिर इसको बेसन के साथ फ्राई करेंगे, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया करें और फ्रूट्स का इस्तेमाल किया करें। और अब इन्हें गोल गोल हम कट कर लेंगे। हाथों हाथ हम सब लगे हुए थे, मेरी माशाल्लाह से बेटियां भी लगी हुई थी करने में, मैं कुकिंग कर रही थी, बच्चे मुझे कटिंग करके दे रहे थे, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो माशाल्लाह से खूब गहमा गहमी थी फ्राइडे की इफ्तारी की। बच्चों में वैसे भी बहुत शौक़ होता है कि अम्मी काम कर रही हैं, मम्मा काम कर रही हैं, तो साथ हम भी ज़रूर हेल्प करवाएंगे। तो बच्चों को तो बहुत शौक़ होता है, बच्चियों को, कि मम्मा हमें भी बताएं, कोई काम दें, हम भी आपके साथ हेल्प करें। तो अच्छा लगता है मिलजुल के काम करना, मज़ा आता है। और इंसान के एक ही बंदे के ऊपर जो है ना, वो बर्डन नहीं इतना पड़ता। हाथों हाथ ही सारा काम हो गया था, एक घंटे में हमने माशाल्लाह से इफ्तारी तैयार कर ली थी सारी। और ये नमक वाला पानी रखा हुआ है, अब ये बैंगन जो है इसमें डिप कर देंगे, पानी में नमक डालेंगे, हाँ, एक टीस्पून जितना, और इसमें नमक डिप कर देंगे। आपको पता है कि वैसे बैंगन जो है ना वो काले पड़ जाते हैं, तो नमक वाले पानी में इन्हें भिगो कर रखना पड़ता है। इनको भिगो के रखते, अब आलू काट लेंगे, क्योंकि चिप्स के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है इफ्तारी, कंप्लीट ही नहीं है इफ्तारी। चिप्स तो लाजमी बनेगी, वेजिटेबल्स, समोसे और चिप्स। बच्चे सिंपल इफ्तारी नहीं पसंद करते, उन्हें यही होता है कि बस रोज़ाना कुछ नया आप ट्राई करें, कुछ नया ही बनाएं। तो अब इंशाल्लाह आस्ता आस्ता से सारी रेसिपीज़ जो है ना वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। ये तो बस रोज़ाना से इसलिए नहीं वीडियो आ रही थी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मौसम भी चेंज हुआ था, और वैसे भी अफ्तार के बाद यकदम जब खाना खाया तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, निढाल हो गई थी मेरी, तो 3-4 दिन इसी तरह तबीयत ख़राब रही है। इसके बाद फिर दोबारा कुकिंग शुरू की है। और ये फ्रूट चाट का भी साथ ही मेरी दूसरी बेटी लगी हुई है कि फ्रूट चाट जल्दी से इसे भी तैयार किया। और ये शरबत में भी हम इसी तरह ही करते हैं कि थोड़े से पानी में जो होता है रूह अफ़ज़ा का सिरप और चीनी वो डाल के रख देते हैं ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए, जब तक दूसरा कोई काम कर लेते हैं। फिर जब अफ्तारी में तकरीबन 5-7 मिनट रह जाते हैं तो फिर इसमें हम जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी डालते हैं, और बर्फ़ डाली और तुख मलंगा डाल के, तो ये हमारा रोज़ाना के लिए शरबत तैयार हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है ना वो हम बहुत अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक तो वो वैसे भी ठीक नहीं होती हेल्थ के लिए, तो
तो इससे बेहतर है कि हाँ आप ये ठंडे मशरूबात पी लें, लस्सी पी लें या फ्रेश जूस पिए। और ये इधर आप चिकन वेजेस समोसे बनना शुरू हो गए हैं, ये मेरी बेटी बना रही है। करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं, ये देखें अब ग्रीन से येलो हो रहे हैं और थोड़ा सा इन्हें कलर देंगे, बस हल्के लाइट ब्राउन करने हैं, ज़्यादा नहीं इसे ब्राउन कीजिए क्योंकि फिर ये इनका कड़वा जायका आता है अगर हम इन्हें ज़्यादा ब्राउन कर लेना। बस ऐसे ही हो जाएंगे तो फिर अब इन्हें मैं निकाल लूँगी। और ये मेरे बेटे की फेवरेट रेसिपी, सॉरी मेरे बेटे की फेवरेट डिश है ये, उसके कहने पे मैंने बनाई थी। और वैसे भी मैंने कढ़ाई गोश्त भी बनाया था एक न्यू स्टाइल से, इंशाल्लाह वो भी स्टाइल आपके साथ शेयर करूँगी। तो साथ में साइड डिश के तौर पे ये कर ली थी कि चले जो सब्ज़ी लवर्स हैं गोश्त नहीं खाना पसंद करते तो वो सब्ज़ी खा लेंगे। तो ये इस तरह के मैंने लाइट ब्राउन से करेले करके तो निकाल लिए प्लेट में। और अब ये मैं करेले निकाल लिए और ये हैं अब छिलके, इनको भी लाइट सा मैंने फ्राई किया था क्योंकि इनको तो लाइट ब्राउन भी नहीं किया था, फिर ये भी कड़वे हो जाते हैं, बस इनको थोड़ा सा कलर दिया है। और इसको भी मैंने निकाल लिया था जल्दी से क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, क्योंकि बारीक से बारीक होता है ना छिलका इस तरह, इसको जब हम उतारते हैं इस तरह छील के। तो ये अब आलू हैं, आलू मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके तो इनको ऐसे कट कर लिया था। अब ये थोड़े से फ्राई होंगे, साथ ही इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज भी मैंने तकरीबन 4 प्याज लिए थे बड़े साइज़ के, और टमाटर लिए थे, टमाटर भी मैंने 1 पाव लिए थे, बड़े बड़े साइज़ के थे तो 3 टमाटर थे 1 पाव में। अब ये आलू थोड़ा सा कलर पकड़ेंगे तो फिर मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं आलू करेले की सब्ज़ी। व्यूवर्स आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इन्हें देसी घी लगा के ना रोटी पे उसके साथ खाएं, देसी घी वाली रोटी के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये प्याज डाल दिया है, अब इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। आलूओं को ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि फिर अच्छे नहीं लगेंगे, और एक अगर इनको ज़्यादा ब्राउन ना करें कि इनका कलर नहीं अच्छा आएगा फिर। तो इन्हें बस मैंने 2 से 3 मिनट के लिए सोते किया है, और साथ ही फिर मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, और ये साथ ही अब टमाटर जाएंगे इसमें। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी, फिर इसको मैंने ढक्कन लगा के कवर करके पकाऊंगी ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बहुत बेहतरीन सा मसाला बनता है, बहुत ही मज़े का। ये देखें मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दिया था, और अब ये टमाटर देखिए आप कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले। मसाले आपको पता है कि करेले में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, वही जो रेगुलर मसाले होते हैं हमारे, नमक मिर्च और हल्दी और सूखा धनिया पाउडर हो गया, ज़ीरा पाउडर हो गया। गरम मसाला मैं करेले में नहीं डालती क्योंकि करेले की वैसे भी तासीर बहुत गर्म होती है, और करेला खाने के बाद ना प्यास बहुत महसूस होती है। ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा नमक डाला है, वो भी सिर्फ आलू और प्याज के लिए, हमारे करेलों को ज़रूरत नहीं है नमक की, सिर्फ प्याज आलू और ये जो टमाटर का जो मसाला है इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसमें डाला है। तकरीबन 1 चम्मच का 1/3 हिस्सा नमक डाला है, बहुत एहतियात से नमक डालिए करेले में हमेशा,
और ये 1/2 टीस्पून जितना मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून जितना मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, और 2 टीस्पून मैंने इसमें डाले हैं सूखा धनिया पाउडर, और अब ये करेले भी डाल दिए इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स करके फिर दम पे पकाएंगे, क्योंकि आलू तो इसी तरह ही जब मैंने 3 से 4 मिनट स्टीम की ढक्कन दिया था तो वो जो स्टीम बनी थी उसमें उसी में गल चुके थे, और जो कसर रह गई है अब जो मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम लगाऊंगी बाकी उसमें पूरी हो जाएगी, तो आलू अच्छे से गल जाते हैं। और ये 3 से 4 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी हैं। आजकल हरी मिर्चें बहुत ज़बरदस्त आई हुई हैं, क्या हरी मिर्च के पकौड़े बहुत मज़े के बन रहे हैं, और हरी मिर्च का हैदराबादी जो सालन होता है हरी मिर्चों का वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। और ये बिरयानी हमारी तैयार है, देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। और ये देखें इस तरह के चावल अच्छे लगते हैं मुझे, ज़्यादा वो जो येलो हो जाते हैं ना कि पूरी कड़ाह पूरे जो चावल है वो इसी तरह ही लगता है जिस तरह ज़रदा बिरयानी बन गई है तो ये इस तरह अच्छे लगते हैं, कहीं से वाइट चावल कहीं से लाइट ब्राउन से मसाले का कलर आया हुआ उन पे, और जर्द थोड़े थोड़े येलो से बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। और अब इफ्तारी भी हमारी तकरीबन कंप्लीट होने के, अब समोसे और चिप्स वगैरह इसके बाद मैंने फ्राई करने हैं, तो हमारी इफ्तारी तकरीबन तैयार है। ये देखिए समोसे भी बन चुके हैं, और ये घी हमारा गरम है, और ये घी में पहले मैंने दही भल्ले की भल्लियाँ बनाई थी तो उस वजह से इसमें वो ब्राउन ब्राउन सा उसका ना जो मैंने भल्लियाँ फ्राई की हैं तो उसके वो रह गए इसमें छोटे छोटे ज़र्रात, ज़्यादा ही ब्राउन हो गए हैं और ये समोसे फ्राई हो रहे हैं। समोसे भी आप मीडियम जो फ्लेम है उस पर फ्राई करें, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये फौरन से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर क्रिस्पी नहीं रहते। ये अब समोसे की साइड चेंज कर दी हूँ, घर में रोल पट्टी में मैंने बना के रखी हुई थी लेकिन वो हमने तकरीबन 4-5 जो रोज़े हैं उसमें वो यूज़ हो गई तो उसके बाद मैंने अभी बनाई नहीं थी। मैंने कहा चले मैं साथ रेसिपी भी अपनी बना लूँगी और साथ में समोसा पट्टी की जो रेसिपी है वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी और चले रोल पट्टी भी बन जाएगी। तो इस टाइम तो मैंने ये बाज़ार से मंगवाई थी रोल पट्टी ना, क्योंकि टाइम नहीं था घर पे तैयार करने का। माशाल्लाह से गेस्टों की वजह से ज़्यादा हमारा माशाल्लाह से ये इफ्तारी का मेन्यू है आपको लग रहा होगा, लेकिन रोज़ाना हमारे समोसे जो हैं वो तकरीबन 7 से 8 बनते हैं समोसे होंगे, और ये इतना एक बैच जो है ये बैंगन फ्राई का होता है, और एक बैच ही हम जो है वो चिप्स पोटैटो चिप्स का बनाते हैं, क्योंकि इफ्तारी के बाद ज़्यादा खाया तो जाता नहीं है, सिर्फ पिया जाता है, पानी पी लें ये जूस वगैरह पी लें या दूध सोडा वगैरह दूध ठंडा करके पी लें। और इधर ये साइड पे कढ़ाही में करेलों को भी दम लगा हुआ है। हाँ ये मैं ना अपनी बेटी से पूछ रही उससे बोल रही थी कि मुझे दिखाओ कैसे फ्राई की है आपने। करेले हमारे तैयार हो चुके हैं और अब ये चिप्स के लिए आलू काट रहे हैं हम। चिप्स आप जिस तरह से मर्ज़ी आपको पसंद है बना सकते हैं, गोल वाले आलू काट के उसको जिस तरह बैंगन फ्राई होते हैं इस तरह उसको फ्राई कर ले, वेजेस के बना ले, पोटैटो वेजेस पोटैटो फ्रिटर्स भी बनते हैं,
ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है ना, मैंने वो रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो हो पोटैटो फ्रिटर्स की होगी। जिस तरह पोटैटो के फ्रिटर्स बनते हैं इसी तरह ही जुकीमी के भी बनते हैं, तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। आप किसी भी वेजिटेबल के बना सकते हैं, जिनको जो वेजिटेबल पसंद हो। और ये चिप्स फ्राई हो रही है, ये समोसे भी फ्राई हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुए थे कि बहुत क्रिस्पी थे। और ये मिर्चों के पकोड़े बन गए हैं, और ये साथ में बैंगन फ्राई हो चुके हैं, हरी मिर्च के पकोड़े बनाए थे वो साथ में। और ये बिरयानी भी हमारी तैयार है, बस अब हमने इन्हें सर्व करना था टेबल पे। ये करेले, आलू करेले की सब्ज़ी तैयार है। और अब ये मैं सहरी की रूटीन आपको दिखा रही हूँ कि सहरी में जो मैं रेगुलर पराठे बनाती हूँ, तो वो मैं बना रही थी, तो मेरी बेटी कह रही कि मम्मा ये वाला भी आप अपना जो तरीका है ना वो अपने व्यूवर्स के साथ, अपने फैंस के साथ ज़रूर शेयर करें कि हम रेगुलर पराठे किस तरह से बनाते हैं। ये बिल्कुल वही तरीका मैं इधर आपको आपसे शेयर करूँगी जिससे मैं शुरू से ही पराठे बनाती हूँ, क्योंकि अब तो बहुत तरीक़ों से आप पराठे बनाते हैं, काफ़ी कुछ जो है वो बदल चुका है। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से लोगों में अवेयरनेस आ गई है, और बहुत ही जो डेवलप हो चुका है तरीका कुकिंग का भी, खाने का भी। तो ये सिंपल सा तरीका है मेरा तो पराठे बनाने का, इससे ही इतने लेयर वाले और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी और सॉफ्ट बनते हैं पराठे। ये इस तरह रोटी बेल के इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी को आप थोड़ा सा मेल्ट ज़रूर करें, बिल्कुल ही नहीं, उसे आप जो है वो गरम करके पतला सा कर लें घी को। बस आपने इतना करना है कि जिस तरह रूम टेम्परेचर पे घी रख के तो वो थोड़ा सा मेल्टेड होता है ना, वो उस तरह का रखें, तो बहुत ज़बरदस्त लेयर बनती हैं फिर पराठे की। या अब इस तरह इसे गोल गोल घुमा के एक साइड से इधर लेके आना हो और दूसरी साइड से उधर से लेके आके, हाँ इसको ऑपोजिट साइड से हमने इसको इस तरह लपेट के फोल्ड करके लेके आना। अब इधर से उठा के इस तरह ऊपर रख देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पराठे का पेड़ा तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं बनाती हूँ पराठे। अब इसका थोड़ा सा मैं मुख्तलिफ तरीका दिखाऊंगी। क्या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से पराठे तैयार कर सकते हैं। बस कुकिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आपका जो माइंड है ना वो ही आपको आइडिया बहुत दे देता है कि इस तरह बना के देख लें या इस तरह। ये बहुत ही मज़े के पराठे तैयार होते हैं इस तरह भी। और एक और तरीका भी है पराठे बनाने का, वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। उस तरीके से पराठे बनाते हैं हमारे ससुराल में, जब मेरी शादी होके आई थी तो वो मेरे सास इस तरह से पराठे बनाती, वो भी इंशाल्लाह से मैं अपना जो तरीका है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। अब इधर भी मैंने घी लगा के इसका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका दिखाऊं।
ये तो बिल्कुल रेगुलर तरीका है ना। अब इन्हें बेल लेंगे। सैरी की जो है ना वो रूटीन शेयर करने के लिए जल्दी उठना पड़ता है ताकि अच्छे से का जो है वो हम जो रेसिपी है ना वो तैयार कर सकें और अच्छे से शेयर कर सकें। तो आज तो मैं तकरीबन 2 बजे ही सैरी बनाना मैंने शुरू कर दी थी क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है ना फिर। पराठा जितना थिन होगा उतना ही वो मज़े का लगता है, क्रिस्पी भी होगा और अंदर से जो उसकी लेयर्स है ना वो वहाँ से वो बहुत सॉफ्ट होगा। ये मैं करेले गरम कर रही हूँ क्योंकि इफ्तारी के बाद तो किसी ने खाना खाया ही नहीं था, सिर्फ बिरयानी सबने खा ली तो सब्ज़ी वैसे की वैसे ही थी, तो मैंने बनाई भी इसलिए थी कि चलो सैरी में काम आ जाएगी। एक साइड पे घी लगा दें, एक साइड पे घी लगाया करें क्योंकि जो घी आपको पता है कि वो दूसरी साइड पे खुद ब खुद लग जाता है। अभी इधर से जब हम इसे फ्राई करके साइड पलटेंगे तो जो तवे के ऊपर घी है बाकी वो दूसरी साइड पे लग जाएगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इधर से भी 2 से 3 चम्मच भर के घी के डाले, फिर दूसरी साइड जब टर्न करनी है उसके ऊपर भी 2 से 3 चम्मच भर के डाल देते हैं, तो वो इतना ऑयली पराठा हो जाता है ना कि जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कम से कम घी में पराठे को फ्राई करें क्योंकि क्रिस्पी करना होता है तो वो हमारी जिस तरह हम इसे राउंड राउंड घुमा के पका रहे हैं ना इसी तरह ये क्रिस्पी हो जाएगा। ये नहीं है कि हम इस एक पाव घी एक पराठे पे लगा दें तो वो फिर क्रिस्पी होगा, नहीं ऐसे नहीं। ये देखिए मैंने एक साइड पे सिर्फ घी लगाया, एक साइड वैसे ही तवे के ऊपर उसकी फ्राई हो जाएगी और ज़्यादा घी भी नहीं पराठे के ऊपर। कि छाबी में हम पराठा जब रखते हैं ना या प्लेट में तो उसके ऊपर भी इतना ऑयल नहीं होता, और ये इस तरह से मैं कर लेती हूँ इससे पराठा जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये मैंने एक तरीका से सीखा था, इधर हमारे है एक ना बहुत मशहूर वो रेस्टोरेंट है तो उधर मलवारी पराठा बनाते हैं, तो वो तंदूर में बनता है पराठा तो बहुत मज़े का होता है। तो वो जब तंदूर से निकालते हैं ना तो उसको ऐसे करते तो वो कहते, तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह ये क्रिस्पी भी रहता है और सॉफ्ट बहुत हो जाता है अंदर से। तो ये ऑमलेट के लिए प्याज काट रही है मेरी बेटी क्योंकि छोटे बच्चे भी हमारे घर में आए हुए थे तो उन्हें भी बहुत शौक है रोज़ा रखने का, तो वो कह रहे थे कि हम आलू करेले की सब्ज़ी नहीं खाएँगे हमें कड़वे लगते हैं तो आप हमें ऑमलेट बना दें। तो ये बेटी मेरी ऑमलेट के लिए कट कर रही है। छोटे बच्चों को बहुत ही शौक़ होता है रोज़े रखने का, नमाज़ पढ़ने का, वो जब भी वुज़ू करे तो वो साथ ही फ़ौरन से वुज़ू करने लग जाते हैं, साथ ही जब नमाज़ पढ़ने तो साथ में वो नमाज़ पढ़ते तो बहुत अच्छे लगते हैं। और बच्चों में ये बचपन से ही जज्बा जो है ना हमें इनके अंदर इस चीज़ को हमें डेवलप करना चाहिए क्योंकि जो बचपन की आते हैं वही पुख्ता होती हैं। फिर तो ये अब इसमें अंडे और मसाले वगैरह डाल के थोड़ा सा पुदीना डाला था, पुदीना जो है ना ऑमलेट में बहुत ही उसका ना टेस्ट अच्छा लगता है, खुशबू बहुत मज़े की लगती है। अब ये सिंपल अंडा हम फेंट रहे थे, कुछ की फरमाइश थी कि ऑमलेट खाएंगे
और कुछ ने कहा कि नहीं, हम तो सिंपल नमक और हल्दी वाला अंडा खाएंगे, तो इसलिए ये अंडा ज़्यादा येलो है। सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है, इनका एक टेस्ट होता है। ये बेटी मेरी अंडा बना रही थी, इसलिए उसे ना पलटना आ रहा था ना ही उसे, तो वो बोल रही थी मम्मा आप आ जाएं, मुझसे तो अंडा टूट रहा है। तो फिर मैं फ़ौरन से आई हूँ, अब ये मैं बना रही हूँ ऑमलेट। पूरे तवे पे ऑमलेट फैला के जब अंडा, तो उसको पलटना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो पलटते पलटते टूट जाता है अक्सर। हाँ, और ये मैं अब बनाऊंगी लस्सी। लस्सी भी मैं चार फ्लेवर की बनाऊंगी। इससे भी ये भी बहुत मज़े की और बहुत ही एनर्जेटिक लस्सियाँ हैं, इनसे भी आपको बहुत सुकून मिलेगा, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ़ौरन से मैंने ऑमलेट तैयार करके, तो हम मैंने साथ ही लस्सी बनाना शुरू कर दी थी, तो बहुत ही मज़े की लस्सी बनी थी। और ये मैं बनाऊंगी अब पंजाबी टिपिकल लस्सी, जो कि शुरू से हर घर में बनती आ रही है, जैसे दही और दूध की लस्सी। दही लिया है मैंने 1 कप, और ये डब्बी में जो नज़र आ रहा है पाउडर सा, ये है हरी इलायची का पाउडर। 1 कप मैंने दही लिया था, उसको ब्लेंडर जग में डाल के फिर इसमें 1 कप मैंने दूध डालना है। दूध डाला था, फिर साथ में हरी इलायची का पाउडर। आप रमज़ान में हरी इलायची का ज़रूर इस्तेमाल करें, कि सब्ज़ी इलायची जो है वो प्यास की शिद्दत को कम करती है और वैसे भी दिल को ताकत देती है। ये मैंने ब्लेंडर जग में दूध और दही डाल लिया 1-1 कप का। मैं ये रेशियो आपको बता रही हूँ, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं, कि कितने मेंबर्स हैं आपके फैमिली मेंबर्स, उस हिसाब से आप इस लस्सी को तैयार कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगा हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है, हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे चीनी, चीनी भी 2 टेबल स्पून डाली थी, सॉरी 2 टीस्पून, क्योंकि चीनी आप जितनी कम यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। आप इसमें चीनी की जगह ब्राउन शुगर डाल लें, देसी शक्कर डाल लें, या हनी भी डाल सकते हैं। और ये साथ आइस क्यूब्स डालें और इसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से, और ये मज़ेदार सी पंजाबी लस्सी तैयार है। क्योंकि शहरी में तो लस्सी के बगैर रोज़ा तो इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। तो अब कुछ पसंद करते हैं कुछ नहीं करते वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो रोज़े जो है ना गर्मियों के, उनमें लस्सी मस्ट है। और ये मैंने ऊपर थोड़ा सा पाउडर छिड़क दिया था सजावट के लिए हरी इलायची का। और अब ये मैं बनाऊंगी बनाना लस्सी। इसके लिए भी 1 कप मैंने लिया था दही, 2 केले डाल दिए, ये 4 से 5 काजू पड़े थे वो भी मैंने डाल लिए, के नट्स से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है लस्सी में। आप इसमें मेलन भी डाल सकते हैं, और ये आइस क्यूब डाले। दो टीस्पून जितनी इसमें जाएगी चीनी, और बहुत थोड़ा सा पानी इसमें, तकरीबन 1/2 कप जितना पानी डाला था। और ये हमारी बनाना लस्सी तैयार है, बहुत मज़े की बनी थी ये भी। ये लस्सी तो हाथों हाथ ही पी थी ना, ये तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी उन्हें। और ये है रोज़ लस्सी, रूह अफ़ज़ा की जो सिरप है इससे तैयार होती है, इसमें अर्के गुलाब भी जाता है रोज़ वाटर, तो इसलिए इसका नाम है रोज़ लस्सी। ये इसमें भी वही मेथड है, 1 कप दही का, थोड़ी सी आइस क्यूब डाले, और ये है 3 से 4 टेबल स्पून जितना रोज़ वाटर डाल दिया इसमें। और ये है सिरप, रूह अफ़ज़ा का सिरप जो है
वो डाल दिया, ये भी 3 से 4 टेबल स्पून है। इसमें अब आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं अगर आप मीठा पसंद करते हैं, नहीं तो रूह अफ़ज़ा का जो सिरप है वो ही, उसकी मिठास बहुत ज़्यादा है, वो ही बैलेंस कर देगी। लेकिन मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना था और आइस क्यूब्स भी डाले थे, तो उस हिसाब से मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है, सिर्फ 1.5 टी स्पून जितनी ना। तो ये हमारी मज़ेदार सी रोज़ लस्सी तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी इसकी खुशबू है, इसका फ्लेवर है। ये भी बहुत पसंद आई थी बच्चों को जो। और ये है चॉकलेट की लस्सी, ये इसमें भी मैंने 1 कप दही लिया था। और इसमें जाएगा चॉकलेट सिरप, आपको पता है ये तो बाज़ार में आम मिलता है बोतल इसकी, ये मैंने 2 टेबल स्पून जितना डाला इसमें। ये भी बहुत मज़े की बनी थी, जो चॉकलेट की खुशबू है ना वो तो वैसे ही बहुत फ्रेश कर देती है। और ये डेरी मिल्क के 2-3 क्यूब पड़े थे, एक डेरी मिल्क पड़ी थी फ्रीज़र में, मैंने टेस्ट के लिए ना सिर्फ 2 से 3 क्यूब्स डाल लिए डेरी मिल्क के। और ये वालनट के नट्स हैं, वालनट्स हैं, और ये आइस क्यूब डाल दी है। आप वालनट्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं इसमें, आलमंड डाल लें, पिस्ता डाल लें, काजू डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, सिर्फ फ्लेवर के लिए ऐड किया जाता है क्योंकि आपको पता है नट्स में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। और रमज़ान में तो फिर रोज़े में तो वैसे भी ऐसी एनर्जेटिक ड्रिंक पीने चाहिए। इसमें भी मैंने 2 टीस्पून जितनी डाली थी चीनी, तो बहुत ही मज़े का इसका जो है ना ये वाली लस्सी भी तैयार हुई थी। और अब इसके ऊपर जो है वो मैं डेरी मिल्क की जो थोड़ी सी 2-3 क्यूब बचाई थी मैंने, वो गार्निश करके, वो सॉरी क्रश करके तो मैंने ऊपर गार्निश कर दी। और आलमंड से मैंने इनको डेकोरेट कर लिया। ये मज़ेदार सी लस्सियाँ तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई, ये वाली डेली रूटीन सहर अफ्तार की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं ऐसी ही रेसिपी फिर लेके आऊँगी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।